हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता सिंह एंड आई विल टीच यू सोशल साइंस। सो वेलकम इन योर सोशल साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फर्स्ट चैप्टर, नेम इज़ आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी या जो भूगोल का हम स्टडी करते हैं, इसका जो अध्ययन करते हैं, उसका है दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप, आपसी संबंध, वो है इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, और दूसरा है ह्यूमन। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं इसमें। द वर्ड इन्वायरमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायर्न विच मीन्स सराउंडिंग। ये एक फ्रेंच वर्ड इन्वायर्न से डिराइव्ड किया है, इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स होता है हमारे आसपास का घेरा या वातावरण। इंक्लूड्स इस आवर सराउंडिंग इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स ईटीसी, एंड अबायोटिक फैक्टर्स सच एज लाइट, एयर, वाटर, सॉइल ईटीसी। इसमें दो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, दो कारक काम करते हैं। वन इज बायोटिक फैक्टर, और बायोटिक फैक्टर्स को हम जैविक कारक भी कहते हैं, और इसमें शामिल होता है मनुष्य, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अबायोटिक फैक्टर मतलब अजैविक, जिनमें जैसे लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ईटीसी। ओके, सो द सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग एंड देयर प्रेजेंट कंडीशन इज नोन एज एनवायरनमेंट। जो आसपास का जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है, उसमें जो कई सारी चीज़ें उपस्थित हैं, उन सबको मिला करके हम कह रहे हैं वर्तमान स्थिति में इन्वायरमेंट। ओके, इट सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, द एयर विविध, ये सब हमारे अर्थ पर जो लाइफ सपोर्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए ज़रूरी हैं। जैसे हमें ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए एयर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। सो ये सब हमें इन्वायरमेंट से, हमारे एन्वायरमेंट से मिलता है, वातावरण से मिलता है। ओके, so now come to the components. ओके, सो अवर सराउंडिंग कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड मेड मेड। दो कंपोनेंट्स में बांटा है इसको, अपने सराउंडिंग में जो दो चीजें मिलती हैं, वन इज नेचुरल और सेकंड इज मैन मेड। कुछ तो होती हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं, और कुछ जो मैन मेड है यानी मनुष्य ने जो बनाई है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट इज फर्दर सब डिवाइज इनटू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। अब हम नेचुरल सराउंडिंग जो है, सॉरी नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको भी दो सब डिवीजन किए गए, उपभागों में बांटा गया है। वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसमें अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, सॉयल है, क्लाइमेट है, सनशाइन है, रेनफॉल है, थंडर स्ट्रोम्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, क्विक्स हैं ईटीसी। इट मीन्स कि इसमें पहाड़, मैदान, मिट्टी, जलवायु, धूप, बारिश, तूफान, भूकंप, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। दूसरे हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या शामिल है? बायोलॉजिकल से मतलब जैविक एनवायरनमेंट से है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, उसे हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट मींस ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, सभी तरह के प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग ऑल्सो पार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑल्सो नोन एज द बायोटिक एनवायरनमेंट। इसे हम बायोटिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ओके, सो अब ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम डोमेन्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसके क्या क्या भाग हैं, कितने डोमेन्स हैं, सो देखते हैं। अवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली कैटराइज्ड इनटू फोर डोमेन्स, चार मंडलों में, पार्टों में इसको बांटा गया, ऑल्सो कॉल्ड रीलम एंड और स्पीयर। इनको रीलम और स्पीयर्स भी कहा जाता है। ओके, सो कौन कौन से हैं ये हम नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे, जो फोर डोमेन्स हैं उनके नाम हम देखेंगे। सॉरी, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, दिस इज हाइड्रोस्फीयर एंड
बायोस्फीयर। अब हम इनको वन बाय वन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिथोस्फीयर को कि लिथोस्फीयर है क्या। ओके, सो लिथोस्फीयर, लिथोस मीन्स होता है स्टोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लिथोस, लिथोस वर्ड देख रहे हैं, लिथोस मीन्स होता है स्टोन। स्टोन मीन्स आप सभी जानते क्या होता है, पत्थर या पथरीला इलाका। ओके, देयर फोर लिथोस्फीयर इज द जोन ऑफ रॉक्स, क्योंकि इसको जो ये जोन है या जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर चट्टाने पाई जाती हैं। इट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग रॉक्स एंड टेरेंस। ये जो इसमें जो पाई जाती हैं वो चट्टाने होती हैं, और टेरेंस मीन्स होता है भूखंड या क्षेत्र। तो जो भूखंड मतलब जमीन वाली स्थिति जो होती है, तो इसमें भूखंड और रॉक्स पाए जाते हैं। ओके, इट एक्सटेंड ओवर कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन बेसिन। ये पूरे कॉन्टिनेंट में भी फैले होने, महाद्वीप में भी फैले होने के साथ साथ ये ओशियन बेसिन तक मतलब समुद्र की तलहटी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और वी स्टडी इन सबसिक्वेंट चैप्टर दैट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक्सटेंड टू अ डेप्थ ऑफ 6,371 किलोमीटर। ये जो अर्थ की जो अर्थ जो फैली हुई इसमें उसकी गहराई में लगभग 6,371 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसकी जो द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज ओनली अबाउट 100 किलोमीटर। और अगर इसकी थिकनेस निकाल रहे हैं हम, इसकी मोटाई निकाल रहे हैं, तो ये 100 किलोमीटर है। इट मीन्स दैट रॉक्स इन देयर सॉलिड स्टेट्स आर फाउंड ओनली अप टू द डेप्थ। इसकी जो सॉलिड स्टेट में जो इसकी जो रॉक्स हैं वो केवल इसकी गहराई में पाई जा रही हैं। ओके, द अर्थ, नेक्स्ट इज द अर्थ का क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियन क्रस्ट। अब इसकी जो अर्थ क्रस्ट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दूसरी है ओशियन क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट। ठीक है, सो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम और पाया जाता है, और सियाल लेयर जो है वो भी माउंटेन्स एंड प्लेट्यू में पाई जाती है। दिस लेयर एक्सटेंड टू एन एवरेज डेप्थ लगभग 35 किलोमीटर तक फैली हुई है, बट दिस कुड बी 60-70 किलोमीटर थिक अंडर नीथ ऑफ माउंटेन। इट इज दिस क्रस्ट दैट सॉइल आर ऑल्सो फॉर्म्ड, इसमें मिट्टी भी पाई जाती है। अब आ जाते हैं ओशियन क्रस्ट पे, इसमें रॉक्स के साथ रॉक्स पाए जाते हैं जिनमें सिलिका मैग्नीशियम पाया जाता है। इसे हम सीमा कहते हैं इसीलिए क्योंकि सिलिका ऊपर हमने देखा सियाल, तो Si4 और एल्यूमिनियम, तो SiAl इट मीन सियाल। हियर इट इज Si, इसका हम देखते हैं, इसका हम Si ले रहे हैं, इट मीन सी SiC और Ma मा। सो इट्स कॉल्ड, यहाँ हम देखेंगे हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है, देखिए Si Ma और इट्स कॉल्ड सीमा। ओके, सियाल एंड सीमा। ओके, सो सियाल और सीमा बोलेंगे इनको, और ये भी अर्थ में 4-7 किलोमीटर थिक है ये, और यहाँ पर कोई सॉइल नहीं पाई जाती है। दूसरे पार्ट में हम आते हैं, सॉरी इसी में हम पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर प्रोवाइड द बेस ऑन विच द ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस। ये एक लिथोस्फीयर जो है एक बेस, एक आधार देता है जिस पे सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे दिस इंक्लूड सॉयल, इसमें सॉयल शामिल है जो वाइटल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, वाइटल रोल प्ले करती है। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल ऑल्सो। इसमें जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, और इसमें फॉसिल फ्यूल मतलब जैविक फ्यूल्स भी, जीवाश्म ईंधन जिसे बोलते हैं,
हैं वो भी इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। अभी हमने पढ़ा लिथोस्फीयर और अब हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो इसको एक तरीके से अर्थ का ब्लैंकेट कहा जाता है, जो एयर द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एक ब्लैंकेट, पतला सा ब्लैंकेट है जो एयर फॉर्म में चारों तरफ बना हुआ है अर्थ के। इट इज़ सेवरल लेयर एंड इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर। इसमें कई सारी परतें होती हैं, एज वेल एज स्टडी एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। इसमें जो एयर है उसमें कई सारी गैसेज का मिक्सचर होता है। टू मेन गैसेज द कंपाइज द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, बोथ आर क्रूशियल टू लाइफ ऑन द अर्थ, जो क्योंकि जो पृथ्वी पर जीवन के लिए दोनों ही गैसें बहुत ही बहुत जरूरी हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीद एयर एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन इट फॉर ग्रोथ। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं और उनकी ग्रोथ भी जरूरी है। सेवरल अदर प्रोसेस ऑल्सो ऑपरेट इन द एटमोसफियर। कई सारी प्रोसेस और भी हैं जो उसमें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को। किसको ले रहे हैं हम? फोटोसिंथेसिस को। आप यहाँ देखेंगे कि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस है, प्रेसिपिटेशन है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ वेदरिंग है। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फोटोसिंथेसिस विच मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल, सॉरी विच मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन, और फिर बदले में ऑक्सीजन हमें देते हैं। ओके, सो इसी तरीके से तो ये प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन हमें मिल रही है। दूसरा है वेदरिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इन्फॉर्मेशन। जो मौसम बदलते हैं उससे जो सॉइल इन्फॉर्मेशन होता है, मिट्टी जो बनती है उसमें। प्रेसिपिटेशन विच मेक्स वाटर अवेलेबल ऑन लैंड। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है वर्षण या वर्षा का जल, मतलब ऊपर से जल की बूंदें नीचे जमीन पर गिरना, इसको हम कहते हैं वर्षण या प्रेसिपिटेशन। सो विच मेक्स वाटर अवेलेबल ऑन द, इस प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के थ्रू ही पानी जमीन पर आता है, धरती पर आता है। तो ये जितनी मुख्य क्रियाएं हैं सब एटमोसफियर में हो रही। द एटमोसफियर हैज टेम्परेचर एंड वेट। टेम्परेचर एंड वेट, इसमें तापमान होता है, भार होता है। इट इज हेल्ड इन प्लेस क्लोज इट इज हेल्ड इन प्लेस क्लोज टू द अर्थ सरफेस बाय इट्स ओन वेट एंड ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका अपना भार है और ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण ये बना हुआ है। इट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि इट प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम स्पेस डिबेरिस ऑफ सर्टेन हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। जो ये लेयर है एटमॉस्फेयर, मैंने बताया कि पतली थिन लेयर है, ब्लैंकेट की तरह है। ये जो हार्मफुल रेज होती हैं जो हमारे रेडिएशंस के थ्रू, मतलब लाइक अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज, बीटा रेज, इन सब से हमको बचाती है, वहीं की वहीं उनको रोक लेती है, एब्जॉर्ब करके रेडिएशन से बचाती है। दूसरा, मॉडरेट हीट एंड कोल्ड ऑन अर्थ। ये तो ना तो ज़्यादा अर्थ को ठंडा होने देती है और ना ही ज़्यादा गर्म होने देती है। इट इनेबल टू अस टू हियर साउंड बिकॉज एयर ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम। ये चूंकि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो एयर एक मीडियम की तरह काम करती है, तो इससे हमें सुनने में भी मदद मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। जो इसका मूवमेंट होता है एयर का, उसको हम वातावरणीय बहाव भी कह सकते हैं या एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं। सो कई सारी कंडीशंस हैं जो इसमें होती हैं। मैनी अदर फंक्शंस आर ऑल्सो परफॉर्म बाय द एटमोसफियर। और कई सारे फंक्शंस भी होते हैं इसमें। मैनी चेंजेस टेक प्लेस इन कॉन्स्टेंटली। सम ऑफ दीज चेंज आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ विच कॉज ग्रेट हार्म टू द एटमोसफियर। कई सारे चेंजेस भी होते हैं इसमें, लगातार हो रहे हैं, जैसे कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटी का रिजल्ट है और जिससे जो इसको एटमोसफियर को हार्म भी, नुकसान भी पहुँच रहा है। इट इज़ वेरी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो घेरा है या जो हमारे चारों धरती के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर नाम का जो घेरा है, हम इसे बचा कर रखें और इसको नुकसान ना पहुंचाएं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
हाइड्रोस्फीयर। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। सो दिस इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स होता है एक तरीके से वाटर, वाटर वाला जो बॉडीज, वाटर बॉडीज इसमें शामिल होंगी। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज ओशियन। देखिए मैं बोल रही हूँ वाटर बॉडीज की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं ओशियन, क्या क्या देख रहे हैं वाटर बॉडीज में आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, ओशियन, सी समुद्र हैं, ठीक है, लेक्स हैं, झीलें हैं, रिवर है, एंड अदर वाटर वाटर सोर्सेस इसमें शामिल हैं, ठीक है। सो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड हैं। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंट ऑफ इट्स ओन, इनकी अपने आप में एक अलग ही महत्व है। दीज वाटर बॉडीज आर क्वाइट नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं या जो पानी वाली जगह हैं जिनसे हमें पानी जल मिल रहा है, ये धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना पानी के धरती पर जीवन संभव नहीं है। बिकॉज विदाउट वाटर लाइफ इज क्वाइट इम्पॉसिबल, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ये सब चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल हों या ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेन एंड चीफ एजेंट ऑफ कूलिंग द एटमोसफियर। मोर एवर देन रिवर, लेक्स एंड सीज प्रोवाइड अस इनफ ऑफ फूड लाइक फिश। All these water bodies also help in marine activities and promote trade. देखिए इसके अलावा ये पानी को एक एजेंट की तरह काम करते हैं। देखिए वेपर फॉर्म में, चाहे वो झील हो, चाहे वो रिवर हों, लेक्स हों, पौंड हों या ओशियन हों, इन सभी से वेपर फॉर्म में पानी ऊपर उठता है और कंडेंस होने के और बादलों की तरफ जाता है, और कंडेंस होने के बाद यही पानी नीचे की तरफ आता है। तो ये वाटर, और इससे क्या होता है, जब ये ऊपर उठता है और वहाँ ठंडा होता है जाके ऊपर की तरफ जाके, तो ये एटमॉस्फेयर को जो है ठंडा बनाए रखता है। इसी के साथ साथ जो रिवर, लेक्स और सीज हैं, यहाँ पर फूड भी मिलता है। फूड कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ फिशेस पाई जाती हैं और जो कि फूड की तरह काम करती, खाने की तरह काम किए जाते हैं, और इससे जो ये जो वाटर बॉडीज हैं, जो मराइन एक्टिविटीज़ जो इसमें होती हैं, समुद्री गतिविधियाँ हैं, वो व्यापार को भी बढ़ावा देती हैं एक तरह से। ओशियन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या, तो प्रोवाइड अ लिंक टू लैंडमास और कॉन्टिनेंट और लैंडमार्क्स को जोड़ते हैं। मच द वाटर ऑफ द फॉल इन एज ए रेन स्नो एटीसी लैंड कम्स फ्रॉम द ओशियन। जो भी पानी बरसता है या स्नो होती है, वो ओशियन के थ्रू होती है। मैंने आपको बताया कंडेंसेशन होता है। ऑल वाटर फॉलोइंग स्ट्रीम्स, रिवर ऑन और दैट विच इज स्टोर्ड इन लेक्स और अंडरग्राउंड इज मेड अवेलेबल फॉर प्रेसिपिटेशन। वर्षण की जो प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ, प्रेसिपिटेशन मीन्स वर्षा होना, मतलब वो जल का ऊपर जलवाष्प बन के वेपर्स फॉर्म में ऊपर जाना, फॉर्म में ऊपर जाना और फिर कंडेंस्ड होकर उसको ठंडा होकर नीचे की तरफ गिरना। ओशियन प्रोवाइड अस फूड, इसके मिनरल ऑयल एंड गैस एंड आर यूज फॉर नेविगेशन। इसके अलावा जो ओशियन से हमें फूड मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको कि फिशेस रहती हैं वहाँ, फिशेस का लोग एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, और भी सारे कई मिनरल्स मिलते हैं हमें, खनिज मिलते हैं वहाँ से। इसके अलावा मिनरल ऑयल मिलते हैं, गैसेस मिलती हैं, ये सब हमें, और नेविगेशन मतलब नेवी को भी मदद करते हैं वहां पे जहाज आते जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्फीयर, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर। ओके, सो बायोस्फीयर इज़ द डोमेन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर वो वाला मंडल है या वो वाला डोमेन है या वो वाली जगह है जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, सब यहाँ पर रहते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जोन वेयर द एटमोसफियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर इंटरेक्ट। ये वो वाला जोन है जहाँ पर लिथोस्फियर, एटमोसफियर और हाइड्रोस्फियर तीनों ही मिलते हैं। देखिए अब मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में आपको वापस ले जाती हूँ, वहाँ पर एक आपको ये बड़ा सा
देखिए इस स्लाइड में आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि बायोस्फीयर वो जोन है जहाँ पर तीनों स्फीयर्स लाइक दैट एटमॉस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आप ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं दिस इज बायोस्फीयर, और तीनों ही आपस में यहाँ पर आके मिल रहे हैं। देखिए ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये एटमॉस्फीयर है, और इन सब के बीच में स्थित क्या है आप देख रहे हैं, तीनों ही इंट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों ही जुड़ते हैं आकर के, और वो वाला रीजन कहलाता है हमारा जो इंट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर आके, उसको कहते हैं हम बायोस्फीयर। और यहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। दीज थ्री लेयर स्पीयर्स एक्सटेंड टू सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स हाई इन द एटमोसफियर। और ये अभी हम वापस अपनी उसी स्लाइड पर जाएंगे जहाँ हम स्टडी कर रहे थे। ओके सो जस्ट वेट, ओके नाउ हम अपनी उसी स्लाइड पर आ गए जहाँ हम स्टडी कर रहे थे बायोस्फीयर। ओके सो लेट्स सी, द डोमेन ऑफ लाइफ एक्सटेंड ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स अ वर्टिकल डायरेक्शन इन द एटमोसफियर। ये कुछ फ्यू किलोमीटर्स वर्टिकल डायरेक्शन में फैला हुआ है, और एज वेल एज डीप इन टू द अर्थ, और अर्थ में ये काफ़ी गहरा है। दिस जोन ऑफ इंट्रैक्शन विच कंटेन ऑल टेरेस्ट्रियल लाइफ फ्रॉम इज नोन एज बायोस्फियर। सभी तरह का जीवन यहाँ पर है। द बायोस्फियर हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, इसकी अपनी एक पहचान है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज़ कंसिडर्ड द फोर्थ डोमेन ऑन द ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए इसको हम चौथा भाग कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में चौथा भाग होता है जितने भी प्रैक्टिस पर्पस से यहाँ चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इट्स स्पेशल फीचर इज दैट दैट इट इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू फंक्शन एज अ बैलेंस सिस्टम। यहाँ पर जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट में वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो अपने आप में तालमेल बना रहता है। नाउ कम टू द बायोडाइवर्सिटी। अभी हमने चार स्पीयर्स पढ़े हैं यहाँ पर, मैं एक आपको रिकॉल करूँगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड था जिसे हम सराउंडिंग कह रहे हैं। इसमें फिर दो फैक्टर काम करते हैं, वन इज़ बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक। बायो फैक्टर में, बायोटिक फैक्टर्स में ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स और एनिमल्स थे, माइक्रोब्स थे, और अबायोटिक में लाइट, एयर, वाटर, सॉयल था। उसके बाद फिर इनको सब ऑर्डिनेट में डिवाइड किया था हमने। सो जो बायोटिक सराउंडिंग था उसको और अबायोटिक को दोनों को, सो नेचुरल और मैन मेड सराउंडिंग को फिर नेचुरल और मैन मेड में किया। उसमें भी फिर हमने किया फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिर हमने पढ़े डोमेन्स जो थे वो चार डोमेन्स में डिवाइड है, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। सबकी आपको इम्पोर्टेंस बता दी। अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में अगर हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम जैव विविधता, मतलब कई तरह के जीवों को का एक जगह पर पाया जाना, है ना। सो अब नाउ कम टू द पॉइंट, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ इंट्रैक्ट एंड डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। हम यहाँ देख रहे हैं कि कई वैरायटी के प्लांट्स, कई तरह के प्लांट्स, एनिमल और लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर जो एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं और डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, ऑक्सीजन एंड सॉयल इनरिचमेंट के लिए। द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी डिस्क्राइब्ड एज बायोडाइवर्सिटी। और जो जो ये जैव विविधता है, विभिन्न विभिन्न तरह के ये जीव जंतु और ये सब पाए जा रहे हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। Now come to the next phase. It is believed that about 3 billion years ago, the first single cell creature appeared in the primordial soup. है ना, एक सिंगल सेल बनी थी, उसके बाद लाइफ एंशियंट सी बना, विद द पासेस ऑफ टाइम साइम निकलता गया, और फिर सम बेटर अडेप्टेड फाइनली क्लाइम्ड आउट इनटू द आउट
ऑन टू ड्राई लैंड, फिर धीरे धीरे बनी, जमीन बनी, और अगर हम देखें फिर वो डीएनए, और डीएनए बना, फिर ये आईडीए आया, सो हम ये सारी चीज़ों से बायोडायवर्सिटी को देख रहे हैं। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस जो यहाँ आती है वो ये है ये देखिए आप यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसेम्बल्स एंड विच आर द एबल टू रिप्रोड्यूस ग्रो एंड एडप्ट इट इज कॉल्ड स्पीसीज। कई सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनते हैं जो कि म्यूचुअल रिसेम्बलेंस करते हैं आपस में, एबल टू रिप्रोड्यूस, और जो रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, एडप्ट करते हैं, और इन सबको हम कह रहे हैं स्पीसीज। इट इज़ द बेसिक इंडिकेटर फॉर नोइंग द कंडीशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को जानने की बेसिक कंडीशन है। द डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो डाइवर्सिटी पर डिपेंड कर रही है। मैन इज अ पार्ट ऑफ द ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, और मनुष्य भी इस बायोडाइवर्सिटी का एक पार्टी है। अब हम पढ़ते हैं, एक हमने पढ़ा था आगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट, और दूसरा है मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने क्या पढ़ा था, सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मैन मेड इन्वायरमेंट। तो मैन मेड मतलब जो मनुष्य के द्वारा जो इन्वायरमेंट तैयार किया गया है। मैन हैज़ मेड मैनी कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंट, कई सारा योगदान दिया है मैन मेड इन्वायरमेंट में। जो मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं तो इंक्लूड मैन मेड स्ट्रक्चर लाइक, देखो हम लोगों ने क्या क्या बना है, बिल्डिंग है, रोड्स हैं, डैम हैं, ब्रिजेस हैं, गार्डन्स हैं, एग्रीकल्चर है, और फील्ड्स हैं, कैनल्स हैं, ये सब किसने बनाए, मैन मेड। दूसरा, इट डज नॉट हैव एनी लिविंग कंपोनेंट्स। मैन मेड जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई लिविंग और कंपोनेंट शामिल नहीं होता है, और इट एग्जिस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, और इसका कुछ बैकड्रॉप भी होता है जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। मैनमेड एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय मैन हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग हिज नीड्स। मैं जो मनुष्य ने जितनी भी चीजें बनाई हैं जिसे मैनमेड एनवायरनमेंट कह रहे हैं, वो अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए बनाई है। इन ऑर्डर टू मेक लाइफ मोर कन्वीनियंट एंड ईजी, ताकि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आसान बन जाए। मैन मेड इन्वायरमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर साइंटिफिक एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मैन मेड जो इन्वायरमेंट है वो हमारी वैज्ञानिक सोच और नीति का भी एक परिणाम है। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब क्वेश्चन आता है कि जो इन्वायरमेंट है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। सो हाउ टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, सो प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट। द लाइफ्स एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट। जो जीवन है, लाइफ्स है, और जो हमारी गतिविधियाँ हैं वो सब वातावरण की जो शर्तें हैं, इन्वायरमेंट की जो शर्तें हैं उससे प्रभावित होती हैं। द इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो वातावरण हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक आधार है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। हम किन कारणों से हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्टेड करना चाहिए, बचाना चाहिए। नंबर एक, इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। वन इज इंटरेक्शन, कैसे हम इनसे इंटरेक्ट करें और इन पर कैसे हमारी इंटरडिपेंडेंस, आपसी निर्भरता जो है। देयर इज अ कॉन्स्टेंट पॉइंट फर्स्ट, देयर इज अ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। सारे जो घटक है एनवायरनमेंट के सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और ये सही भी है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम देखें तो। रिसोर्सेज फॉर लिविंग, जीने का एक तरीके से अवर एनवायरनमेंट में एक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर लिविंग सच एज एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट, हैबिटेट्स, ETC। जीने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वो सारे यहाँ पर हमको मिल रहे हैं, जैसे कि पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, पोषक तत्वों की ज़रूरत है, हमें रहने के लिए आवासों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। तीसरी है प्रोसेस, कैसे करें, वी वुड नोटिस मैनी प्रोसेस, वी वुड नोटिस मैनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली इफ वी कीनली
ऑब्जर्व आवर इन्वायरमेंट. हमने कई सारी प्रोसेस देखी हैं हमारे चारों तरफ. सम ऑफ दीज प्रोसेस आर फॉर्मेशन ऑफ सॉयल एंड फोटोसिंथेसिस देयर विच प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर. इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट द वेरी ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद. जैसे एक प्रोसेस हम देखते हैं हमारे चारों तरफ फोटोसिंथेसिस की है, जिसमें फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं और सनलाइट लेते हैं, और जो कि इस ऑक्सीजन को हम ब्रीद करते हैं, सांस में लेते हैं. फ्रेश वाटर ऑल्सो कम्स आउट ऑफ दीज प्रोसेस. इसके हमें फ्रेश वाटर भी मिलता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो इन द सोलार सिस्टम. देखिए हम इससे पहले की क्लासों में अपना सोलार सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, सूर्य परिवार भी पढ़ चुके हैं. द सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी का एकमात्र नेचुरल सोर्स जो है वो सन है. एनर्जी फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनर्जी जो है, जो ऊर्जा जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती चली आ रही है. अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय अस थ्रू द फूड वी ईट, द एयर वी ब्रीद एंड द वाटर वी ड्रिंक. जो ये एनर्जी है ये कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, फूड फॉर्म में जो हम खा रहे हैं, सांस जो हम ले रहे हैं, वाटर जो हम पी रहे हैं. सो डिफरेंशियल हीटिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल हीटिंग. डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनशाइन बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लाइंड एक्सिस एंड रिवोल्यूशन राउंड द सन. जो पृथ्वी के जो अलग अलग भाग है वहाँ पर अलग अलग सूर्य के जो ऊर्जा है या सूर्य की जो चमक या धूप है वो पहुँचती है, क्योंकि उनके एक्सिस पे उनका कैसा रोटेशन है या रिवोल्यूशन है, उसके तहत वो किस रिवोल्यूशन में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. डिफरेंशियल हीटिंग जो अलग जो गर्माहट है टुगेदर विथ सीजन, समय सीजन का मौसमों का आना कंट्रीब्यूट टू वेरीड क्लाइमेट. और जो क्लाइमेट में जो बदलाव आते हैं, कैसे क्लाइमेट कैसे काम कर रहा है, दैट सपोर्ट वास्टली डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल एंड लीड द टू मूवमेंट ऑफ एयर एंड विंड और हवाओं का चलना. ऑल दीज कंडीशंस फेवर लाइफ ऑन द अर्थ. ये सारी जो कंडीशंस हैं ये जो पृथ्वी है उस पर जीवन के लिए जो फेवर करती हैं, जरूरी हैं. इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द एनवायरमेंट in its totality. Some of advantages of studying the environment in its totality. अगर हम पूरे environment को देखें तो कुछ चीज़ें हैं कि हमें क्यों जानना है environment को. Number one is it helps to understand the nature and diversity of the way in which various force and process operate in the earth. इसके लिए ज़रूरी है, हमें इससे ये समझ में आता है कि नेचर और जो डाइवर्सिटी है, जो प्रकृति है और जो जैव जो विभिन्नता है, वो किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं अर्थ पर. ठीक है, ये हम अपने वातावरण के थ्रू ही जानेंगे. अगर हम एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है. नंबर दो, वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मैन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट. हमें इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम जो काम कर रहे हैं, जो क्रियाएँ कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है. थर्ड इज़ देयर द ओरिजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ द लैंड लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर ETC कैन बी इंटेलिजेंटली स्टडीज ओनली वेन वी हैव अ टोटल व्यू ऑफ द एनवायरमेंट. इसके साथ साथ यहाँ पर हम माउंटेन्स कैसे बनते हैं, प्लेट्यू कैसे बनते हैं, प्लेन्स कैसे बनते हैं, रिवर्स कैसे बनते हैं, अगर हम इसकी एनवायरमेंट की डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी हमको समझ में आती हैं. पॉइंट फोर्थ इज देयर व्हेन वी स्टडी सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ. अगर हम अर्थ के कुछ भाग का स्टडी कर रहे हैं सो वी कैन एस्टेब्लिश इंटर रिलेशनशिप. हमें समझ में आता है कि आपसी जो संबंध है एक दूसरे के कैसे होते हैं. बट ओनली व्हेन वी हैव grasped the totality of the environment. There it is a clear that for proper understanding of the man environment relationship we first need to study the environment in its totality. अगर हमें मनुष्य और environment के बीच के relation को जानना है तो सबसे पहले हमें पूरे environment की study करना जरूरी होगी. So यहाँ पर कुछ key terms दी गई हैं, देखेंगे आप.
physical environment. Our natural surrounding that includes non-living elements such as land, water and air. ऐसे natural environment जो है उसमें कुछ physical elements होते हैं जैसे कि land, water and animal. इसको हम physical environment कह रहे हैं. Biodiversity, biological environment जहाँ पर living organism रह रहे हैं like plants, animal, living beings and bacteria. Bacteria means microbes, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जो हमें naked eye से दिखाई नहीं देते, that is called microbes. So next is biodiversity, the wide range of species living on the earth. हजारों तरह की जीव जातियाँ, चाहे वो पौधों की जातियाँ हों चाहे जंतुओं की जातियाँ हों, वो अर्थ पर रह रही हैं और इनका हम इसमें अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं. सो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी. तब तक के लिए इसको अपनी बुक ओपन करिए, जो भी मैंने पढ़ाया उसको समझने की कोशिश करिए, और ठीक है उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स के बताऊंगी, उसको अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है. टिल देन बाय.